तो दोस्तों आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो पीछे देख भी पा रहे हो कि कमल के फूल के ऊपर जो गणेश जी विराजमान है उसकी कलरिंग हो रही है। पर सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग दोस्तों जो मूर्ति मुझे नजर आई है वो ये वाली मूर्ति है। अब क्यों, तो चलिए मैं इसको आपको करीब से दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो सरसों रहता है तो सरसों के जो दाने रहते हैं बारीक बारीक, उसी से पूरी जो मूर्ति है उसके ऊपर की जो लेयर है वो तैयार की गई है। चलिए आपको पास से दिखाने का प्रयास करता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग मूर्ति देखने के लिए मिली है आपको ये मूर्ति, जो दूर से वो तो दिखाई दे रही होगी कि नॉर्मल मूर्ति की तरह जिस पर कलर किया गया है, लेकिन दोस्तों ये सरसों जो आता है अपना उसके दाने से बनी गई है, उसके ऊपर जो मेन लेयर की गई कलरिंग की। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाऊंगा तब जाकर आप आइडेंटिफाई अच्छे से कर पाओगे। तो हर एक पार्ट, जैसे ये हाथ देख पा रहे हो आप, थोड़ा झूम भी करके दिखाने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह पूरी मूर्ति पर जो बेसिक स्ट्रक्चर था, उसके बाद सरसों के दाने से पूरी मूर्ति का निर्माण किया गया है, चाहे वो हाथ की बात की जाए चाहे वस्त्र की बात की जाए। दोस्तों पूरे के पूरे ये आप पैर भी देख सकते हैं गणेश जी के, तो पूरी की पूरी मूर्ति दोस्तों वो इस तरह सरसों के दाने की कलाकारी से बनाई गई है। और ये भी जो मटेरियल दोस्तों कोई कपड़ा नहीं है, ये मटेरियल पर ही डिज़ाइन, कितनी प्यारी डिज़ाइन है, एकदम ऐसा लग रहा है कि वास्तविक कपड़ा हो। तो बहुत ही शानदार मूर्ति दोस्तों, आप फेस भी देख पाओगे, ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों कीमत की बात की जाए तो लगभग 70,000 के समथिंग की मूर्ति है, बहुत ही प्यारी मूर्ति। और अभी तक मैंने जितनी मूर्तियां देखी है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट मूर्ति है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।